नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायस्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह और सीधे रुक करेंगे हम खबरों का। नाव पर सांसद और मंत्री और छत पर जनता। बेगूसराय के कई इलाकों में सरकार और जनता के बीच संवाद की इन दिनों की यही शैली है, कोई और चारा भी नहीं है। बाढ़ के कहर ने बरपा रखा है, पूरा इलाका दरिया में तब्दील हो चुका है। ऐसे में लोगों के बीच पहुंचने के लिए नाव ही एक सहारा है। वहीं हम बता दें कि बेगूसराय की ये तस्वीर आपके सामने जो है वो बेगूसराय जिले के सामहो दियारा इलाके का है। पूरा क्षेत्र जबरदस्त बाढ़ की चपेट में है। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन इसमें भी काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऐसे में बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूरे अमले के साथ लोगों का हालचाल जानने पहुंचे, लोगों से बातचीत की, उनकी शिकायतें सुनी, अधिकारियों से भी फीडबैक लिया और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। आप जिम मान लीजिए दोनों आदमी बोलिए या आप जिम मान लीजिए दोनों। अभी बाढ़ भी मैं देख रहा हूँ दुनिया के कई भागों में और भारत के 1900 में राजस्थान और मध्य प्रदेश, बिहार तो नेपाल के कारण हम बाढ़ विभीषिका से झेलते ही रहते थे, लेकिन इस बार जो बाढ़ आया है बेगूसराय में वो बाढ़ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 8 ब्लॉक तो ऐसा है कि कोई घर लगभग नहीं बचा है जिस जो बाढ़ की विभीषिका से तबाह बर्बाद ना हुआ हो। जिनके घर पक्के के हैं वो भी बेघर हो गए, जिनके घर कच्चे थे वो तो बेघर हो ही गए हैं। मैं इन परिस्थितियों में प्रशासन ने आपदा के सारे मापदंड के साथ सबसे जरूरी था। अभी मैं सामहो दियर से आ रहा हूं। बेगूसराय जिले के 8 प्रखंड बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। खेत तो खेत, घर में भी पानी घुस आया है। जिनके घर पानी की भेंट चढ़ गए हैं वो तो कहीं और निकल गए, लेकिन जिनके घर अभी बचे हुए हैं उन्होंने छतों पर अपना ठिकाना बना रखा है। ऐसे में उन तक जरूरी सामान पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशासन की टीम राहत कार्य में जुटी है। हमको भी कुछ दे दीजिए, बढ़िया दे दीजिए, सरपंचों को दे दीजिए। नहीं प्रणाम, जय माता। प्रणाम, जय माता। नाव से घर घर पहुंचाना ये भी व्यवस्था की योजना बन रही है, मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन ये 8 ब्लॉक और आज से गंडक भी बढ़ना शुरू हो गया, यानी लग रहा है कि पूरे बेगूसराय को, 8 ब्लॉक को तो बाढ़ क्षेत्र घोषित कर ही देने की जरूरत है जिला को और राज्य को, क्योंकि जब कोई जमीन नहीं, 6 दिन से ऊपर घरों में पानी है, खाने को अन्य सब सड़ गया है, तो जो एक मापदंड है आपदा का, फसल नुकसान का और घर में पानी घुसने के बाद जो उसका दिया जाता है, ये सारे मुआवजा उनको मिले वो भी छोटा दिखेगा, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई सरकार नहीं कर सकता। गिरिराज सिंह बाढ़ग्रस्त इलाकों के 7 दिवसीय दौरे पर हैं। अब तक वो शामहो, मटिहानी और बेगूसराय प्रखंड के साथ साथ बलिया और साहेबपुर कमाल प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। कोई बात नहीं, माल निकलेगा।
वहाँ से पदाधिकारी यहाँ आते हैं दस पूछ को कोई चीज का सामान नहीं पदाधिकारी की बात हो रही है सर। मैं पूरे समाज को बता रहा हूँ मेरा सोशल मीडिया पर डालिए और हमको बता दीजिए पटना जिले का बाढ़ अनुमंडल भी बाढ़ की चपेट में है। खासकर अथम गोला प्रखंड का हाल बेहाल है। लगभग 10,000 की आबादी वाला रामनगर दियारा पंचायत पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। वहीं बाढ़ राहत शिविर भी क्षेत्र में मजाक बनकर रह गया है। विस्थापितों का कहना है कि नेता मंत्री या अधिकारी के द्वारा उन्हें कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। यदि कुछ सुविधाएं दी भी जा रही हैं, तो वहां वोट बैंक की राजनीति हो रही है। रात्रि में नाव के सहारे चोर बाढ़ प्रभावित के घरों में चोरी कर ले रहे हैं। मवेशियों को चारा नहीं मिल रहा तो वहीं भूखे को खाना भी नहीं मिल रहा। गांव पहुंचाने के लिए 5 रुपया लगता है। और काम है तो कैसे मतलब गांव पहुंचाने के लिए 5 रुपया लगता है। और जैसे नाई का दिक्कत है, एगो नैया दिए है, दूगो नैया दिया, कुछ नहीं किया। बताइए गरीब आदमी मरेगा कि जिएगा? खाना भी नहीं है, किलो चूरा मिला है, खाना कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। सब मुखिया अपना घर में खा रहा है, मुखिया सरपंच अपना घर में रख रहा है, चप्पल जूता छोड़ो जाओ नहीं रखते। प्रशासन कुछ भी नहीं बोल रहा है, प्रशासन तो अपन घर में बैठा हुआ है। अभी ये है ना, क्या देखिए जितना का बच्चा दूसरा से मांग के क्या हुआ वहाँ पर, क्या बोला उन्हें? पुलिस बिलगा दिया क्या कहा? खाना नहीं मिलेगा, जाइए सबको भरा दिया। कितना लोग को खिलाया? कितना खिलाया? जिनसे भी बहुत। बिहार के कटिहार में गाइड बांध कई इलाकों के लिए सुरक्षा ढाल की तरह है, लेकिन गंगा कोसी नदी में पानी का दबाव बढ़ने की वजह से उस पर भी खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ इस बांध के ऊपर NH-31 कुरसैला पुल है, वहीं दूसरी तरफ कुरसैला रेलवे ब्रिज के फिलहाल इस बांध में वर्षों से मरम्मत का काम नहीं होने से इसकी हालत जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोग इस मामले में प्रशासन पर ध्यान ना देने का आरोप लगाते हैं, वहीं प्रशासन हालात पर नजर बनाए रखने की बात भी कह रहे हैं। बांध की स्थिति तो बहुत ख़राब है, और रही बात गाइड बांध की, तो हम लोग के जन्म से पहले भी मम्मी पापा बताया करते कि अंग्रेजों के ज़माने में ही ये गाइड बांध बना हुआ है, और स्थिति बहुत ही भयावह है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि हमको लग रहा है कि अगर इस तरीके से पानी में वृद्धि होती रही तो कभी भी ये जो है कि ध्वस्त हो सकता है। वो आप जो कह रहे हैं वो हमारे संज्ञान में कल आया था, रेलवे के DRM से मेरी बात हुई है। रेलवे के इंजीनियर्स 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं, उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि अभी सेफ है। उनके द्वारा वहाँ पर जो कटाव निरोधी कार्य है वो भी किया जा रहा है अपने स्तर से। बांध की स्थिति तो बहुत। कटिहार में हालात को देखते हुए बाढ़ ग्रस्त इलाकों में NDRF के जवानों को भी तैनात किया गया है। इन दिनों कुरसैला प्रखंड की 6 पंचायत पूरी तरह से जलमग्न है और NDRF की टीम मुस्तैदी से वहां काम कर रही है। शेरमारी पंचायत के शाहपुर धर्मी से 21 वर्षीय गर्भवती महिला बुधनी देवी को NDRF टीम ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ बायस्कोप के साथ। नमस्कार।